जीवन छेड़े प्यार की धुन क्या आपके कहने का मतलब है कि कल रात अगर आप नहीं डूब रहे होते तो आप मेरा सहारा नहीं लेते? मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं प्रिया, कल रात हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि हम दोनों अकेले थे, उन लोगों के साथ नहीं थे जिनके साथ हम रहना चाहते। हम दोनों अपने आप में अधूरे हैं और जब दो अधूरे लोग एक साथ मिल जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो एक दूसरे का अधूरापन मिटा सकते। मेरा हिस्सा पानी है, तुम्हारा हिस्सा पुष्कर है, हम दोनों की शादी हो चुकी है। आपको तो अपना हिस्सा मिल गया और मुझे भी अपना हिस्सा मिल गया, लेकिन मिस्टर वालिया, क्या आपका अधूरापन चला गया? मिस्टर वालिया, कल रात जो कुछ भी हुआ क्या आप उसे बुला सकते हैं? मुझे याद है मिस्टर वालिया, क्या आपने मुझसे कहा था वो लोग जो आपकी आंखों में आंसू देते हैं, लेकिन वो लोग जरूर जो आंसू देते जय भैया, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। अब मैं जान चुका हूँ जिज्ञासा, तुम यहाँ क्यों आए? जय भैया, मेरी बात सुनो। भैया, आपने मुझे बुलाया? हाँ साहिल, साहिल ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल्स और मैं चाहता हूं कि आज के बाद तुम ये फाइल्स और इनसे रिलेटेड प्रोजेक्ट को हैंडल करो, क्योंकि मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। पर भैया, इतनी सारी फाइल्स एक साथ? साहिल, इस वक्त हम पर काम का बहुत प्रेशर है, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। अगर तुम मेरा हाथ नहीं बटाओ तो इस सारे काम का बोझ मैं अकेला कैसे उठाऊं? ठीक है भैया, मैं ये जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूँ। गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद। जय भैया, मैं कुछ नहीं सुनना चाहूंगा। बना लिया, क्या कर रही हो? जीत भी जीतती है और तुम सब जानते हो, सब पता था ना तुम्हें? भैया प्लीज मेरी बात पर यकीन कीजिए, मैं बर्दाली के बारे में कुछ नहीं जानती।
मैं क्यों आऊं दुबई आपके नीलामी और प्रोजेक्ट के लिए? क्यों डिस्टर्ब करूं आपको? मुझे कहीं से पता चला था कि दुबई में आप पर अटैक हो सकता है, इसीलिए मैं यहाँ हूँ। बरनाली के बारे में मैं कुछ नहीं जानती। कल रात को उसे यहाँ देखकर मैं खुद हैरान कि वो यहाँ क्यों आई है। 15 साल के बाद हमारी जिंदगी में क्यों आई है, क्या चाहती है वो, मैं कुछ नहीं जानती। अगर नहीं पता है तो पता करना। We have to find out what's going on. खरीद रहा है आज। जय भैया, वो रणवीर का फोन था। जय भैया प्लीज, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। यहाँ कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा है। बेटे पास हार गए, क्या रहे, क्या फायदा है? प्लीज जय भैया, मेरी बात मानिए, हम मुंबई वापस चलते हैं। आपके जान की कीमत पर हमें कुछ नहीं चाहिए। प्लीज आई रिक्वेस्ट। पिया, पिया कल रात हमारे बीच जो कुछ भी हुआ मुझे कुछ याद नहीं, पर पिया क्या हम इस रिश्ते को, हमारी शादी को, क्या हम एक और मौका दे सकते हैं? पिया मुझे सच में नहीं पता कि हमारी ये शादी कहां जाएगी। पिया क्या हम सब कुछ भूल कर दोबारा जुड़ सकते हैं? पिया, चाहत और प्यार में सिर्फ एक फर्क होता है। चाहत एक इन्फैटुएशन होता है, एक ऐसा आकर्षण जहां कुछ दिन कुछ पल के लिए ऐसा लगता है जैसे हमें सब कुछ मिल गया, लेकिन सब चला जाता है। लेकिन पिया मैंने तुम्हारे साथ ऐसा नहीं किया। हमारा रिश्ता ऐसा नहीं है पिया, मैंने कभी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं किया। हाँ, मेरी भावनाएं तुम्हारे साथ नहीं थी, लेकिन रिश्तों पर किसी का कोई बस नहीं चलता पुष्कर। तुम चाहते कुछ है और होता कुछ और है। दुबई आकर हमारे रिश्ते को एक नया नाम जरूर मिला है, लेकिन यहां रिश्तों का एक ऐसा एहसास हुआ है जो जिंदगी में कभी सोचा तक नहीं था। लेकिन शायद अभी उस एहसास के बारे में कुछ कहने का वक्त नहीं आया है। वक्त आने पर ये भी पता चल जाएगा हमारा रिश्ता किस मकाम तक पहुंचता है। फिलहाल मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। जो हुआ वो मेरी गलती की वजह से था, और मेरी गलतियों ने बहुत सारी जिंदगियों को बिगाड़ दिया है। अब तो मैं सिर्फ इतना चाहती हूं कि तुम खुश रहो। हमारा रिश्ता किस मकाम पर है, ये कौन सा मकाम है, क्या मंजिल है, इन सब सवालों का जवाब मैं अभी नहीं दे सकती पुष्कर। लेकिन मैं अपनी गलती मानती हूं। मैंने हमेशा जिंदगी में बहुत छोटा सोचा है, हमेशा उस प्यार के पीछे भागती रही जो यहां दुबई में जो कुछ भी हुआ शायद उसे रोकना किसी के बस की बात नहीं थी।
लेकिन अब इम्पोर्टेंट वो है कि हम किस वजह से जुड़े, जरूरी वो नहीं कि हम एक दूसरे से अलग क्यों हुए। मुश्किल वक्त आने पर मैं तुम्हें सब सच बता दूंगी और तब हमें पता चल जाएगा कि हमारा रिश्ता किस मकाम तक पहुंचता है। लेकिन अब मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि हमारे बीच जो कुछ भी हो उसके लिए मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई गुस्सा नहीं बचा है, बची है तो सिर्फ एक इच्छा कि तुम खुश रहो। जानता हूं पिया, तुम्हें सोचने के लिए वक्त चाहिए। मैं समझता हूं हमारा प्यार खत्म नहीं हुआ है, तुम्हारे दिल में मेरी जगह है, तुम्हें आज भी मेरी परवाह है। और आज अहमियत इस बात की नहीं है कि कितना वक्त जाता है, अहमियत इस बात की है कि तुम क्या सोचती हो, क्योंकि अब हमारे बीच करवाहट नहीं बची है पिया। पुराने वक्त से एक दूसरे को उभरने का वक्त देकर हम फिर से एक नई शुरुआत कर सकते हैं पिया। मेरे लिए यही बहुत है, हमारे रिश्ते में अब भी उम्मीद बची है। मेरी हर उम्मीद टूट चुकी है पुष्कर, ये सच है कि मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं हूं, पर इस शहर में मेरे लिए बहुत कुछ खत्म हो गया है। मुझे एहसास हो गया है पुष्कर, हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने तुमसे शादी की, और अपनी उस गलती की कोई भी कीमत अदा करूंगी मैं। तुमने मुझे जो कुछ दिया, वो दुख जिससे मुझे गुजरना पड़ा, और तुम्हें भी वो दुख हमारी जिंदगी में मेरी वजह से आया। मेरी जिंदगी में अब सिर्फ पानी थी और रानों का रिश्ता बचा है, और सब खत्म हो चुका है। Can I have my room keys? Yeah, sure. Thank you. So there's also a message for you. पानी, ये सब क्या है? मिस्टर वालिया,
कल हम वापस जा रहे हैं ना, आपका फोन आया था तो मैंने सोचा मैं आपको एक सरप्राइज दूं। आज की रात सिर्फ आप और मैं। पानी? नहीं मिस्टर वालिया, आज हम में से कोई भी बात नहीं करेगा। जब हम दोनों के बीच खामोशी थी तो हमारी खामोशी और तन्हाई ने एक दूसरे से बात की। आज वही खामोशी और वही तन्हाई हम दोनों के लिए बात करेगी। मेरी जिंदगी बन गई तेरे प्यार की रोशनी। मेरी जिंदगी बन गई तेरे प्यार की रोशनी। जाऊं जहां मैं आए तेरी चाहत के साए। जाऊं जहां मैं आए तेरी चाहत के साए। तू मेरे प्यार का जहां हाय। जिया धड़क धड़क जिया धड़क धड़क जिया धड़क धड़क जाए। ओ जिया धड़क धड़क जिया धड़क धड़क जिया धड़क धड़क जाए। जय भैया, अगर तुम्हारा भाई मुझसे मिलना चाहता है तो तुम उसे मुझसे मिलने क्यों नहीं देते? बहुत प्यार है ना अपने भाई की जिंदगी से। कल सुबह जुमेरा को डाल दिया। जुमेरा को? इतने सालों बाद मैं इस चैनल में वापस लौट कर क्यों आई ये जानना चाहती हूँ। जवाब तुम्हें वहीं मिलेगा। और हाँ, अपने भाई को लाना मत भूलना कल सुबह जुमेरा को। आफ्टरऑल जय वालिया से तो मुझे भी मिला। बलरानी के साथ मैंने मीटिंग फिक्स कर दी है कल सुबह बोर्ड पर। गाय जाइए।
15 साल बाद हार का एहसास बहुत बुरा हो रहा है जय वालिया। लगता है हमारी इस मुलाकात से किसी को कोई खुशी नहीं और ना ही किसी को मेरी बात से दिलचस्पी। तो फिर मुझसे मिलने के लिए इतने बेचैन क्यों हो रहे थे जेफ वालिया? तुम यहाँ क्या कर रही हो प्रणाली? चाहती क्या? मुझसे बदला लेना चाहती? इसलिए बिट जीता ना तुमने? तुम जेफ वाले की जिंदगी में वापस क्या कर रही हो? आज मेरे पास सब कुछ है, इनफैक्ट तुमसे भी कई ज्यादा है, लेकिन ये लड़ाई मेरे हक की है और इस लड़ाई में मैं अकेले नहीं हूं जयवालिया। मेरे हक की इस लड़ाई में मेरे साथ मेरा बेटा है।